बहुत लोग कह रहे थे मैम यार बिना दवाई का हम अपने पार्टनर के साथ घंटों तक कैसे रिलेशन बना सकते हैं, उसके साथ संभोग कैसे कर सकते हैं घंटों तक बिना दवाई के। देखो सबसे पहले बात आप लोग समझो कि आप लोग घंटों तक की इस बात को लेकर इतना ज़्यादा उत्साहित रहते हो, तो सबसे पहले आप ये समझो कि दवा खाकर भी आप कितने दिनों तक करोगे। अब अगर हमेशा दवा खा रहे हो, हमेशा अगर दवा का प्रयोग कर रहे हो, तो ये आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करता है। इस बात को ध्यान दीजिए, हम किसी भी चीज़ का अगर रेगुलर हमेशा अगर दवा खाकर अगर करते हैं तो आपको कुछ पल का मज़ा तो आएगा, आप उस को एंजॉय तो करोगे लेकिन आगे चल के आपको नुकसान करेगा। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे, आपने खाया, आपका टाइम बढ़ा, तनाव देर तक बना रहा, आपका मूड अच्छा से बना रहा, आपका पानी जल्दी नहीं गिरा और आपने अच्छे से एंजॉय भी किया, आपको लॉन्ग टाइम तक की है। लेकिन आप अपने पार्टनर से पूछे कहीं उसके प्राइवेट पार्ट में सूजन हो गया होगा, या फिर वहाँ पे उसको लालिमा सा हो गया होगा, या फिर उसको इन्फेक्शन हो जाए, या फिर उसके ज्यादा घर्षण की वजह से वहाँ पे उसको दर्द होने लगे, उसके बारे में आप लोग तो नहीं सोचते हो। बस कोई दवा बताओ, कोई ऐसा टाइम बताओ जिसकी वजह से हम देर तक कर सको। अगर आपके पार्टनर सक्षम है तो आप कोई होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके दोनों पार्टनर देर तक कर सकते हो, लेकिन देर तक संभोग में टाइम बिताने से दोनों को नुकसान हो सकता है। दोनों के प्राइवेट पार्ट में घर्षण की वजह से लालिमा, सूजन, दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको देर तक संभोग का मजा लेना है, अपने पार्टनर के साथ देर तक रोमांस प्यार करना है तो करो, लेकिन संभोग के बजाय ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रोमांस किस जो उसके साथ जैसे कि टचिंग, हर जगह छूना, हर जगह उसको महसूस कराना, उसमें काफी ज्यादा समय बिताओ।